हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में गेम वे। तो गाइस, मुझे पता है मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ। मैं गांव गया हुआ था, इसलिए नहीं कर पाया कोई वीडियो अपलोड। तो गाइस, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पोकेमॉन ग्लेश का एडवेंचर। तो यहाँ पे गाइस, आई थिंक पर्सी अभी जस्ट जिम लीडर से लड़के आया हुआ है। और हाँ गाइस, अगर आप लोग को याद नहीं है पर्सी कौन है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कौन है वो। असल में हम लोग को हमारे जर्नी के स्टार्टिंग में वो मिल चुका था, इसे ट्रेनर। तो अभी हम लोग को वो बता रहा है, शो ऑफ कर एक तरह का, कि उसने जिम लीडर को बहुत ही ज़्यादा जल्दी हरा दिया है। तो हम लोग को भी हराएगा और हम लोग को भी बताएगा कैसे लड़ना है। तो लेट्स सी यार, इसको हरा देंगे अपन। तीन ही पोकेमोन इसके पास। अब यार प्रॉब्लम वही आता है कि गाइस, मेरे को याद नहीं है मेरे पोकेमोन के एचपी कितने हैं। चलो फ्लेगर का तो है फुल एचपी, बढ़िया भाई। तो यहाँ पे गाइस, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं फ्लेगर से 1v4 कर लूँ। एंड आई थिंक गाइस, हो जाएगा 1v4 इजीली। देखते हैं यार इसके अदर पोकेमोन्स, देखते हैं कौन से पोकेमोन्स लेके आए अपनी टीम में। और जब तक कि गाइस हमारा बैटल हो रहा है, एक गाइस एक रिमाइंडर दे देता हूँ। हमारे वॉकिंग डेड सीजन 2 के वीडियो में यार 5000 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच यार आप लोग के सपोर्ट का, क्या ही बोलूँ मैं। और एक चीज़ गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं बहुत ही जल्द बेस्ट प्लेस्टेशन गेम्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। टॉप 5 बेस्ट गेम्स के ऊपर जो मैंने खेल रखे हैं, और जो आप लोग को भी ट्राई करना चाहिए। अगर आप एक प्लेस्टेशन फैन हो तो जरूर ट्राई करना चाहिए। तो बस यार, उस वीडियो के लिए भी स्टे ट्यून रहना गाइस। बहुत ही जल्द उस वीडियो को भी मैं जरूर लेके आऊंगा आप लोग के सामने। और यहाँ पे गाइस, देखते देखते क्यू लावा आ चुका है। ये पर्सी का गाइस मेन पोकेमोन है, पार्टनर है पर्सी का। ऐश के पिकाचू के जैसे पर्सी के साथ ही चिपके रहता है, मतलब उसके साथ ही रहता है जहाँ पे पर्सी जाता है। तो बहुत बढ़िया है ये पोकेमोन, और उसको हम लोग इजिली हरा देंगे। और क्यूलावा ने कुछ ज़्यादा उखाड़ा भी नहीं अपना, क्योंकि अपन भी फायर टाइप है, इन्फोने भी फायर टाइप है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे गधे के जैसे मैंने एम्बर यूज़ करने की ट्राई की उस पर मजाक उड़ाने के लिए, बट मेरे पे भारी पड़ गया हाइपर पोशन के वजह से। कोई बात नहीं यार, बट यहाँ पे गाइस मैं सरप्राइज ये हूँ कि हमारे एम्बर ने भी काफी ज्यादा डैमेज करा है क्यूलावा को, और मैक पंच से फिनिश ऑफ हो जाएगा क्यूलावा। क्या बात है यार। तो गाइस 1v2 हो चुका फ्लेगर का, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता ही है यार। नहीं यार, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। देखेंगे पहले कौन सा पोकेमोन है, फिर देखेंगे स्विच करना है कि नहीं। ओके भाई, तो गाइस यहाँ पे पर्सी के पास मैनीट्रिक भी है यार। हर एक पोकेमोन पकड़ रखा है इसने ऊपर से ऊपर, एक से एक। और हमारे पोकेमोन यूनाइट के फैंस के लिए भी बहुत से अच्छे अच्छे लीक्स बाहर आ रहे। टेरानिटार आ रहा है यार, क्या ही बोलूँ मैं। बजबोल आ रहा है और ग्लेशियन आ रहा है। मुझे यार ग्लेशियन का तो नहीं पता, बट बजबोल और टेरानिटार के काफ़ी फैंस हैं, तो मुझे पता है मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो जब आएंगे तो मज़ा आएगा गाइस। और अटैक में देखे बजबोल के, खुद खेल के ट्राई करा है, बहुत ओपी है वो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बिना किसी परेशानी के हमने हरा दिया पर्सी को यार, क्या ही बोलो। हमारा फ्लेगर आखिरी में पैरलाइज जरूर हो गया, बट उसने काफी अच्छा खेला, क्या ही बोलू यार। तो प्लीज यार गाइस, हमारे फ्लेगर के लिए एक लाइक तो बनता है यार, प्लीज करवा दे रहा हूँ गाइस। और अगर आप वीडियो देखते हो मेरी, तो सब्सक्राइब कर देना यार, भूलना नहीं प्लीज। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा यार, पर्सी ने हम लोग को HM03 दे दिया सर्फ, जो बहुत काम का होता है गाइस, आप लोगों को भी पता है। और अगर गाइस आप लोगों को नीचे जाना यहाँ से, तो ये बटन दबा के जाना, वरना आपको वापस पूरा पजल सॉल्व करना पड़ेगा। और हमारा राइवल पर्सी यार काफी अच्छा बंदा है, ऐसे राइवल हो तो मजा आता है यार खेलने में भी। अभी गाइस हम लोग जाएंगे पोकेमोन सेंटर और हील करेंगे, फिर लड़ेंगे जिम लीडर से। हाँ, इसी वीडियो में लड़ेंगे अपन। और यहाँ तक कि आप मेरी इस वीडियो के साथ बन चुके हो, तो गाइस जुड़ चुके हो, तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना गाइस मत भूलना, जरूर करवा देना यार। बस ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखना गाइस प्लीज। और यार हमारे वॉकिंग डेड सीजन 1 को भी कैसे अनलॉक करना है, वो भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो उसको भी चेकआउट कर लेना जरूर। तो यहाँ पे गाइस, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बाद हम लोग जा रहे फाइनली लड़ने हमारे जिम लीडर से। 5वां जिम बैच होगा आई थिंक, देखते अपन। यस डेफिनेटली गाइस, ये हमारा 5वां जिम होने वाला है। और ये जीतने के बाद हम लोग को और 3 जिम बैच ही बस जमा करने हैं। और ये वाली वीडियो गाइस कंपेयर टू अदर वीडियोस में ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा मैं। जिम बैच लेने के बाद आई थिंक बंद कर दूंगा ये वीडियो, देखते कैसा बनता अपना। तो यहाँ पे गाइस जिम लीडर से लड़ते अपन, और देखते क्या होने वाला। अपन जीतेंगे पहली बारी में या हारेंगे। अगर गाइस हम लोग ने पर्सी को हरा दिया है, तो हम लोग ईजिली हरा देंगे जिम लीडर आइरीन को भी। अकॉर्डिंग टू मैक्स वही होना चाहिए, देखते भाई फिर आगे क्या होगा।
ओके, तो स्नोरंट इसका पहला पोकेमोन होने वाला गैस हमारे जिम लीडर का। अरे फाइट टाइप पोकेमोन जब होता है यहाँ पे अपने पास तो अपन बहुत ज्यादा अपर हैंड में होते, बहुत ज्यादा फायदे में होते, अपन आराम से जिम हरा देंगे मेरे हिसाब से। नहीं यार बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे अपन। और गाइस आप भी याद रखना, आइस टाइप जिम होने वाला है, फाइट टाइप पोकेमोन को लेके जाना और अच्छा खासा लेवल करके ही लेके जाना। और हाँ गाइस, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना यार प्लीज भूलना मत, प्लीज करवा देना। आप यहाँ तक कि मेरे इस वीडियो में बन चुके हो तो याद से कर देना गाइस सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर देना। तो यहाँ पे गाइस जिम लीडर के सेकंड पोकेमोन को भी बहुत ज्यादा आसानी से अपन ने हरा दिया है। ओ भाई, तो अभी ग्लेशियन आने वाला है। आई थिंक गाइस ग्लेशियन बहुत पावरफुल है और वैसे भी हमारे यूनाइट में भी आने वाला है। देखते हैं यार कैसा होने वाला है ग्लेशियन हमारे जिम लीडर का। 34 लेवल का है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार, फ्लेम व्हील से भी ग्लेशियर नहीं फेंट हुई, मतलब कितनी ज्यादा पावरफुल हो रखी है ये। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अभी भी अपर हैंड में, ये हमारा फ्लेगर फाइट अप है और आराम से हरा सकते अपना टाइम लेकर। और हाँ गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, ये वाली वीडियो में इतनी लंबी नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी वीडियोस बनानी है इसलिए। सो आई एम वेरी सॉरी गाइस, अगर आप मेरी ये वीडियो वॉक थ्रू के लिए देख रहे हो, नेक्स्ट एपिसोड में जरूर वॉक थ्रू करूंगा मैं इसके आगे क्या करना है, कहाँ जाना है उसको लेकर। और यार टॉप 5 प्लेस्टेशन गेम्स जो आपको डेफिनेटली बाय करनी चाहिए उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो यार जरूर वो भी देखना गाइस, बहुत फायदा वाला वीडियो होने वाला आप सभी के लिए। तो यहाँ पे यार ग्लेशियन का विश किसी काम का तो आया नहीं वैसे, क्योंकि यार वो फुल एचपी में ही था। चलो कोई ना यार, हमारे लिए अच्छा है, मैं भी इजीली हरा सकता हूँ विवाइल को। चलो हरा भी दिया, सुपर इफेक्टिव। तो गाइस यहाँ पे अपन ने जिम लीडर को हैक कर दिया डिफीट, और पांचवा जिम बैच भी अपने हासिल कर दिया गाइस, बहुत बड़ी बात ही है। और वो 3 जिम बैच ही बाकी रह चुका अपने को हासिल करने के लिए, और 1400 रुपीस दे दिया हमारे जिम लीडर ने हम लोगों को। क्या बात है यार, अच्छा है, कोई शॉपिंग तो होगा नहीं वैसे, क्या ही करना यार। और हाँ गाइस यार, लाइक करना मत भूलना, लाइक भी जरूर करवा देना, लाइक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो याद से गाइस प्लीज करवा देना। तो यहाँ पे हम लोग को जिम लीडर ने TM13 दिया आइस बीम, चलो बहुत बढ़िया, वेपरियन सीख जाएगा हमारा। तो बस यार और कोई सीन है नहीं, यहाँ पे हम लोग ने जिम लीडर को बहुत इजीली, बहुत ज्यादा इजीली हरा दिया है। तो गाइस आप लोग भी जरूर अपना फाइट टाइप पोकेमोन लेके जाना और अच्छा खासा उसको लेवल अप कर लेना, क्योंकि यार यहाँ पे सबके लेवल अच्छे ही है। और यार अपने पास अभी सर्फ भी आ चुका है और आइस बीम भी आ चुका है, वेपरियन को 2-2 मूव्स अपन सिखाने वाले। तो यहाँ पे यार वेपरियन से मैं टेल भी फॉरगेट करवा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कोई डिफेंसिव कोई खेलते है नहीं, तो अटैक ही खेलते तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं हमारे वेपरियन को। और आज के लिए बस गैस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।